देखो यार, आज की जो वीडियो है ना, कोई व्लॉग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज दिल से दिल की बातें होंगी। हम व्लॉगर तो हैं ठीक है, लेकिन आज तक ना मैंने कभी भी, जैसे बोलते हैं अपनी दिल की बातें, तुमसे 100% शेयर नहीं की। दो दिन हुए हैं उस बात को, दो दिन से मैं काफी ज्यादा, तुम सैड समझ लो, जैसे बोलते हैं ना अपने राह से भटका हुआ है, और कुछ मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा। मतलब मेरा दिल ही नहीं लग रहा किसी काम पे, ठीक है। रावत मेरा भाई मेरे साथ है, रावत मेरी हेल्प करेगा इस पूरी वीडियो को शूट करने में। तो रावत, मुझे लग रहा है आज वो दिन है यार, आज अपनी पब्लिक से सारी बातें शेयर करनी चाहिए। चलो आज पता चल जाएगा कि मास्टर बटर के पीछे जो सुधांशु है, आज आप उससे मिलोगे। सही बात है, बहुत दिन से, मतलब ज्यादा नहीं, दो तीन दिन से बहुत परेशान चल रहा है। इसने मेरे को अपनी सारी बातें बता रखी हैं, और इसका ये खुद ही का फैसला था कि आज व्लॉग नहीं, लेकिन दिल से जो दिल की बातें होंगी मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगा। एक्चुअल में आप जान पाओगे कि मास्टर बटर यानी कि सुधांशु है कौन। मैं तुमसे एक चीज बोलूंगा, अगर ये वीडियो तुमने क्लिक कर दिया ना, तो उस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो ये मेरी स्टोरी है ठीक है, जो कि मैंने आज तक कोई भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं की। तो इस वीडियो को अपन चालू करते हैं ठीक है। देखो तुम लोग जानते हो, जब मैं तुम्हारे सामने आया हूँ ना वीडियो आने, मतलब जब भी अपन वीडियो बनाते हैं तो मैं कितना खुश रहता हूँ, है ना। मतलब अपन हर वक्त, जैसे बोलते हैं ना, छोटा सा मैंने स्लैंग अपने चैनल पे निकाला हुआ है फुल गलत, तो मैं हर वक्त अपने चैनल पे फुल गलत करता रहता हूँ। लेकिन आज ना दिमाग इतना एक जगह रुक गया है ना, थोड़ा सा मुझे ना बताता हूँ कैसा लग रहा है कि यार क्या मेरी ऑडियंस है मुझे इस रूप पे एक्सेप्ट करेगी। 4 साल का एक पब्लिक बॉन्ड था, एक रिलेशन था, वो बस यार कल ही टूटा है। तुम लोग सोच रहे हो कि अब तो क्या हो गया, है ना, होता है ऐसे, बहुत लोग सोचते हैं। जिस बंदे अगर हम बात करें ना, मैं नहीं चाहता कि यार मैं उसका नाम लूँ और कुछ उसके ऊपर दिक्कत आता है ठीक है, तो हम उसका नाम रखते हैं एक्स वाई जेड। तो मुझे उस एक्स वाई जेड लड़की ने ना पब्लिक इतना ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग डेज, जब मैं एक पिछले कॉलेज में था वहाँ, मुझे याद है यार, मतलब कैसे कैसे उसने मेरे को मॉरली इमोशनली, मैं जानता हूँ मैंने कैसे कैसे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो ऑडियंस बनाई है, जो सफर रहा है मेरा, कितना ज्यादा रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है। एक चीज तो देखिए, जिंदगी में अगर एक लड़की होती है जो तुम्हें सपोर्ट करे, तो तुम्हें ना किसी चीज की भी टेंशन नहीं होती। जिंदगी में कई लोग जाते हैं, कई लोग आते हैं, लेकिन यार फिर भी जिंदगी में ना पब्लिक एक शख्स होता है, जब वो चले आता है तो उसकी असली वैल्यू पता लगती है। जब वो साथ था हमने उसकी कदर नहीं की, और गलती मेरी भी है यार, उस लड़की एक्स वाई जेड ने यार 100% सच्चा प्यार, समझते हो, उसे सच्चा प्यार था मुझसे। अगर यार किसी लड़की को सच्चा प्यार होता है ना किसी अगले, और फिर यार वो उस लड़के से अपना रिश्ता तोड़ देती है, तो सब कहीं ना कहीं गलती तुम्हारे में थी। मैंने ये सीखा, मेरी गलती क्या थी कि यार मैंने उसको टाइम नहीं दिया। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने उसको जो वो टाइम चाहती थी मैंने उसको वो नहीं दिया। और इस चीज़ का ना मुझे दुख आज भी, अपनी इस फील्ड में मैंने ग्रोथ देखी, नो डाउट मैं ग्रोथ कर रहा था टाइम टू टाइम, लेकिन मुझे आज भी मना लिया कि यार मैं उसको टाइम नहीं दे पाया। क्योंकि तुम समझो यार, पब्लिक मेरा स्टार्टिंग से ना एक थोड़ा सा वैसा नेचर था कि यार शायद मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, टाइम ना देना पब्लिक। ये पता है बात कब ज्यादा आई, जब लॉकडाउन हुआ, हम मिल नहीं पा रहे थे, फोन पे बात मैं बहुत कम कर पाता हूँ। लॉकडाउन में ना हर इंसान ने अपने आप को अकेला पाया, ठीक है, मेरे अंदर भी आई थी कहीं ना कहीं, उसके अंदर भी पब्लिक आई होगी। तो मुझे पता है क्या, मुझे बस इसी बात का मलाल आज है, और मैं जानता हूँ आगे भी होगा कि यार मैं उसको टाइम नहीं दे पाया। ऐसा नहीं है वो लड़की एक्स वाई जेड खराब थी मेरे लिए, उसने मेरे लिए कभी खराब सोचा, या उसने डबल डेटिंग की, उसने किसी और को प्यार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गलती बस मेरे साइड से कि यार मैं टाइम नहीं दे पाया, मैं बहुत लड़ता था उससे, बहुत सारे सीन हुए, हमारी लड़ाइयाँ होती थी, बहुत बार ऐसा हुआ कि वो खुद आगे से मुझसे बात करने आ गई। तुम समझ रहे हो, वो रिलेशनशिप के छोटे छोटे जो मूवमेंट्स होते हैं ना, वो काफी हुए। उसका पता है लास्ट में एक सैचुरेशन पॉइंट नहीं होता, उसका लास्ट में एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि यार मैं कितना ही ट्राई करूं, अगर मैं अपने आप को उसकी जगह रख के देखूं ना, तो मुझे भी फील होगा कि हाँ यार एक सैचुरेशन पॉइंट जरूर आएगा कि आज मैंने अगर इसको माफ कर दिया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अपना प्यार पता क्या था, ऐसा नहीं था कि मतलब मैं उससे 24 घंटे बात कर रहा हूँ, चैटिंग कर रहे हैं हम, बेशक महीने में एक दो बार मिले, लेकिन जब भी मैं उससे मिलता था ना, मुझे वो प्यार, वो बॉन्ड मुझे फील होता था कि हाँ यार शी इज द वन वाइब्स। और आज जब वो शी इज द वन मेरे साथ नहीं है ना, तो थोड़ा सा इंसान तुम समझो ठहर जाता है कि यार जो हम जिंदगी में कर रहे हैं उसमें मजा सा नहीं आता, जिसको मैं खुश देखना चाहता था वही नहीं है आज अपने साथ, माँ बाप दोस्त, ऐसी बात नहीं यार, अपन सबको वैल्यू देते हैं, लेकिन यार जिंदगी में वो एक शख्स होता है जिस लाइफ टाइम खुश देखना चाहते हैं कि हाँ यार वो खुश रहे, और वो ही आज यार मेरे चक्कर में बहुत दुखी है। मतलब तुम मानोगे नहीं, देखो ये दिल से दिल की बातें, ठीक है, जब हमारी वो बात चल रही थी ना, जब हम यार उस लास्ट मोड पे थे कि ठीक है अब शायद सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया, मैंने उससे बहुत बोला कि यार मतलब क्या हो गया ऐसे, क्यों हम ये स्टेप क्यों ले रहे हैं। सच में देखो, एक होती ना वाली बात थी मेरी और उस एक्स वाई जेड लड़की की बात थी कि यार ये सफर बहुत लंबा है, ठीक है, और हमें इस सफर को साथ में पूरा करना है, साथ में निभाना है। और आज जब वो सफर का साथी हमारे साथ नहीं है ना, उसने तोड़ दिया अपना नाता, तो थोड़ा सा अकेला फील होता है यार। जिंदगी में सब कुछ है, नो डाउट, जिंदगी में अच्छे दोस्त भी है, अच्छी फैमिली भी है, ग्रोथ भी है, प्यार करने वाली ऑडियंस भी है, पैसा भी है यार, लेकिन वो शख्स होता है ना वो नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब मेरा माइंड काफी ठहर सा गया कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ जिंदगी, मैं जो ये कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैंने क्यों उसको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जो वो चाहती थी, जो वो डिजर्व करती थी। और नो डाउट पब्लिक, देखो दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, उस लड़की को ना मुझसे सच्चा प्यार था। देखो मतलब मैंने ना सच्चा प्यार बस पिक्चरों में सुना था, ठीक है कि हाँ सच्चा प्यार कुछ होता है, लेकिन उसकी वजह से, उस एक शख्स की वजह से ना मैंने वो सच्चा प्यार फील भी किया था कि हाँ एक प्यार, एक
ट्रू लव कैसा होता है, और आज जब वो ट्रू लव करने वाला इंसान ही अपने साथ नहीं है ना पब्लिक, तो बहुत दुख सा होता है कि क्या हमें अब वो वापस वैसा प्यार मिल पाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। प्यार देखो यार, जीवन में जिंदगी में ना एक बार ही होता है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं इस प्यार वाले खेल में पढ़ूंगा। नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं यार। तुम लोग भी नोटिस कर रहे होगे कि मैं कुछ दिनों से थोड़ा ज्यादा अपने कॉलेज वाले दोस्तों के यहाँ आ रहा हूँ, समझ लो थोड़ा घर से दूर जाके इधर आ जाता हूँ, और उसके पीछे भी ना एक रीजन था। तुम लोगों ने देखा ये मेरा रूम, तो उस एक रूम के अंदर बंद बंद रह के ना मेरा दिमाग खराब हुआ था। मेरा मैं पागल सा फील कर रहा है। मैं इसलिए यार दो दिन से ना घर पे भी नहीं गया। छोटी छोटी मस्तियां, वो छोटे छोटे मजाक में मैं हंसता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। जो हुआ ठीक है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने कोशिश बहुत की उसे चेंज करने की, लेकिन चेंज नहीं हो पाया और शायद नहीं हो पाएगा। उसको कभी मेरी जरूरत थी तो मैं उस दिन या तो कहीं बिजी था, या मैं एडिटिंग कर रहा था, या फिर अपना साथ में पढ़ाई भी चलती, तो मैं कभी कुछ कॉलेज में बिजी था। ठीक है, तो ये टाइम इशूज यार मेरे साथ बहुत स्टार्टिंग से आते थे। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मेरी गलती ही थी, मैंने टाइम जानबूझ नहीं, यार मैं टाइम दे रहा उसको चाहता था, ऐसी बात नहीं है। टाइम मैं उसको देना चाहता था, लेकिन टाइम इशूज मेरे साथ स्टार्टिंग से ही। ऐसा नहीं कि अपन सिर्फ यूट्यूब करते, नहीं, यूट्यूब के साथ साथ अपना कॉलेज भी चलता है यार। तुम खुद सोचो, मैं एक कॉलेज से ड्रॉप आउट, ठीक है, तुम लोग मेरी स्टोरी पता है, एमिटी यूनिवर्सिटी से मैं ड्रॉप आउट होकर इस नए वाले कॉलेज में आया हूँ, तो एक बर्डन भी होता है यार घर वालों का कि हाँ यार तुझे डिग्री निकालनी है, मुझे उस चीज में भी ध्यान देना है। तो यार तुम खुद सोचो, एक यार कमिटमेंट मैंने खुद से कर रखी कि हाँ यार अपना यूट्यूब है वो मेरी कमिटमेंट है। दूसरी कमिटमेंट है अपनी पढ़ाई, जो कि मैंने घर वालों से कर रखी कि हाँ यार मुझे डिग्री निकाल के देनी है। घर वाले अपने तभी खुश होंगे जब उनको देखेगा कि हाँ लड़का अपना पढ़ाई के साथ साथ ही कर रहा है। तो दो दो बर्डन होते हैं, हाँ यार कॉलेज का भी संभालना है, यूट्यूब भी करना है, डेली लॉगिंग कर रही है, मतलब डेली कुछ ना कुछ करना है। तो इन सब के चक्कर में यार मतलब तुम समझ लो कहीं ना कि मैं उस XYZ को टाइम नहीं दे पा रहा था। मेरी उससे बहुत बड़ा लड़ाई हुई है इस चीज के चक्कर में। कहीं मैं अपने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसके मैसेज पड़े हुए हैं, तो उस वक्त बात आ जाती थी कि यार मेरे लिए इंस्टाग्राम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरी लड़ाई भी आती थी कि हाँ यार मेरे लिए मेरी पब्लिक पहले आ जाती है, मैं तुम्हारी रिप्लाई, मैं XYZ की रिप्लाई तो कर दूंगा, नो डाउट। अपन वीडियोस तो बनाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिंपैथी गेन करने के लिए तुम लोगों से बोलूंगा कि यार मुझे वीडियोस बनाने का मन नहीं। देखो मैंने ना बहुत टाइम पहले अपनी जिंदगी ना एंटरटेनमेंट के लिए कुर्बान कर दी, और आज भी अगर मैं ये बातें कर रहा हूँ तो मैं तुमसे मास्टर बटर बन के नहीं, तुमसे सुधांशु बन के बात कर रहा हूँ। कोई सिंपैथी के लिए नहीं कर रहा यार मैं। हर दिन हर वक्त मुझे कैमरे को फेस करना है, मेरी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो लेकिन मुझे खुश खुश दिखाना है, ये हर बार नहीं हो पाता। तुम समझ लो हर वक्त फरेबों की तरह, मतलब ये जिंदगी बहुत सी फरेब वाली हुई यार। तो मैं बड़ा सैड हो गया यार इस चीज से कि मतलब थोड़ा टाइम थोड़ा वक्त चाहिए ना मुझे। मुझे नहीं पता कि इसके बाद मैं अपनी अगली वीडियो कब डालू, दो दिन बाद डालू, चार दिन बाद डालू, एक हफ्ता दो हफ्ता, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा यार। मुझसे जितना होता है ना मैं उतना अपने दोस्तों को टाइम देता हूँ, उतना यार मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। लेकिन कभी ना यार तुम लोग मेरी जगह खुद आके देखना, जब तुम्हारे पास इतने सारे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतने सारा काम होगा ना कि हाँ तुम्हें 7 से 8 लाख लोगों का एंटरटेनमेंट करना है, साथ में तुम्हारी पर्सनल जिंदगी है, साथ में तुम्हारी पढ़ाई है, तुमसे हर कोई खफा हो रहा है कि यार टाइम नहीं देते तुम, वैल्यू नहीं करते मुझसे, मुझसे बात नहीं कर रहे, तुम्हें भी बहुत बुरा फील होगा कि कैसी जिंदगी हो रही है मेरी। मुझे थोड़े दिन लगेंगे, मैं जानता हूँ मैं ठीक हो जाऊंगा, और हम फिर से फुल गलत करेंगे, बढ़िया से एक नए मास्टर बेडर की शुरुआत करेंगे। अपन ने यार ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली पे कब्जा तो कर लिया फुल गलत करते हुए, लेकिन अब बारी है इंडिया वर्ल्ड वाइड कब्जा करेंगे। तो थोड़ा मुझे ना ब्रेक चाहिए, 2 से 3 दिन या 1 हफ्ता, मैं नहीं जानता, लेकिन ब्रेक चाहिए होगा। थोड़ा अपने सुधांशु वाले पार्ट को भी टाइम दे रहा हूँ मैं यार अंदर से ना, बड़ा मुझे रोने सा भी हो रहा है, लेकिन पता नहीं कि मैंने तुम लोग के आगे बोल ही पाता यार, बुरा लग रहा है और दुख सा हो रहा है, आंसू मेरे मतलब निकल नहीं रहे बाहर यार। जो है जैसा है सब ठीक हो जाएगा। आज सुधांशु नो मास्टर बेटर, आज सुधांशु तुमसे बोल रहा है कि यार तुम लोग भी खुश रहो, मजे करो, कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए ओपन है। देखो लाइक डिसलाइक का मुझे पता नहीं है, जो मन वो कर देना, और सब्सक्राइब का तो देख लेना ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि यार मास्टर बेटर को जितना प्यार पब्लिक ने दिया है, क्या उतना प्यार सुधांशु को मिलेगा या नहीं। तो चलो अपन चलते हैं।